डायरेक्टर इम्तियाज अली की पहली मूवी थी सोचा ना था। यह मूवी साल 2005 में आई थी। इस मूवी में अभय देओल और आयशा ताके लीड रोल में थे। मूवी का बजट 5 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 4 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 6 करोड़ की और मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2006 में इम्तियाज अली की दूसरी मूवी आई थी आहिस्ता आहिस्ता। इस मूवी में अभय देओल और सोहा अली खान मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 4 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 2 करोड़ 31 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 3 करोड़ की और मूवी डिजास्टर रही थी। साल 2007 में इनकी अगली मूवी आई थी जब वी मेट। इस मूवी में शाहिद कपूर और करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 15 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 31 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 51 करोड़ की और मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इम्तियाज अली की अगली मूवी थी लव आजकल। यह मूवी साल 2009 में आई थी, जिसके लीड रोल में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण थे। मूवी का बजट 50 करोड़ था, जो भारत में कमाई करती 66 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 117 करोड़ की और मूवी हिट रही थी। साल 2011 में इम्तियाज अली की मूवी आई थी रॉक स्टार। इस मूवी के लीड रोल में रणबीर कपूर और नरगिस फाकली थे। मूवी का बजट 66 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 69 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 109 करोड़ की और मूवी सेमी हिट रही थी। साल 2012 में इनकी मूवी आई थी कॉकटेल। इसके लीड रोल में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण थे। मूवी का बजट 45 करोड़ था, जो भारत में कमाई करती है 71 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 121 करोड़ की और मूवी हिट रही थी। साल 2014 में इम्तियाज अली की मूवी आई थी हाईवे। इस मूवी में आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 20 करोड़ था, इसने भारत में कमाई की थी 29 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 47 करोड़ की और मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 2015 में इनकी मूवी आई थी तमाशा। इस मूवी में रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 87 करोड़ था, भारत में इसने कमाए थे 69 करोड़, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 136 करोड़ की और मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2017 में इम्तियाज अली की मूवी आई थी जब हैरी मेट सेजल। इस मूवी के लीड रोल में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा थे। मूवी का बजट 90 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 61 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 140 करोड़ की और मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2018 में इनकी मूवी आई थी लैला मजनू। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 2 करोड़ 72 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 3 करोड़ 40 लाख की और मूवी फ्लॉप रही थी।